नमस्कार दोस्तों, अमेजन प्राइम की वेब सीरीज तांडव ने अभी तांडव मचा के रखा है। आपको पता ही होगा कि तांडव को लेके हमारी जो आवाम है वो बिल्कुल ही खुश नहीं है। इसके जो प्रमुख हीरो है सैफ अली खान, उनके घर के बाहर अभी जो सुरक्षा है उसको और भी टाइट किया गया है, क्योंकि बहुत सारी धमकियां मिल रही है उनको। और तांडव के जो मेकर है अली अब्बास जफर, जो सलमान खान के भी काफी फेवरेट डायरेक्टर है, उन्होंने लेजेंडरी मूवीज बनाई है जैसे भारत और टाइगर जिंदा है जैसी मूवीज। सबसे हंसी वाली बात यह है कि तांडव को जब इन्होंने अमेजन प्राइम पे प्रमोट किया था या फिर यूट्यूब में प्रमोट किया था, तब वहां पे लिखा था कि फ्रॉम द मेकर्स ऑफ भारत एंड टाइगर जिंदा है। अरे वाह, जिस शख्स को ऐसा लगे कि टाइगर जिंदा है और भारत एक मास्टरपीस है, तो उससे और क्या उम्मीद कर सकते हैं। और वही हुआ, तांडव एक मसाला वेब सीरीज बन के रह गई और इसको काफी मिक्स्ड रिएक्शंस का सामना करना पड़ा। लेकिन सबसे बड़ा जो विवाद हुआ है वो है, ये वेब सीरीज हमारे देश में जो रिलीजियस हार्मोनी है उसको अफेक्ट कर रहा है। हिंदू फोबिक कॉन्टेंट क्रिएट किया है, शिव जी का मजाक उड़ाया गया, जो देव देवता है उनका मजाक उड़ाया गया। सो इसमें क्या साजिश है, उनका क्या मेन मकसद था, ये इस वीडियो में अभी डिस्कस करेंगे। आपको जैसे पता ही है कि सोशल मीडिया में इस वेब सीरीज को लेके जोरों शोरों से ट्रोलिंग हो रही है। बहुत लोग इसका विरोध कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि इस वेब सीरीज को बॉयकॉट करने के लिए और अमेजन प्राइम जैसे प्लेटफॉर्म से इसको बैन करने के लिए। अभी बीजेपी लीडर राम कदम ने घाटकोपर पुलिस स्टेशन में जाके कंप्लेंट दर्ज की है और अभी धारा 295A के तहत जो मेकर्स है उनको भी समन भेजा गया है। जिन लोगों ने कंप्लेंट दायर किया है वो ये भी बोल रहे हैं कि जो मेकर्स है इस वेब सीरीज के, उनको वो सलाखों के पीछे देखना चाहते हैं। और अमेजन प्राइम का जो ऑफिस है उसके बाहर भी अभी धरना चल रहा है और बोल रहे हैं कि जब तक इस वेब सीरीज को अमेजन प्राइम से बैन नहीं किया जाएगा, तब तक ये धरना चलता रहेगा। तो इस वेब सीरीज के जो डायरेक्टर है अली अब्बास, उनका तो स्किल बिल्कुल जीरो के बराबर है और वो बनाते हैं हिंदूफोबिक कॉन्टेंट ताकि जो रिलीजियस हार्मोनी है उसको ठेस पहुंचाया जाए। और किसके कहने पे बनाते हैं ये देखने की बात है। ये तो सलमान खान के बहुत बड़े चहेते हैं, तो इसके पीछे कौन है ये हम लोगों को पता ही है। और दूसरा मकसद ऐसा वेब सीरीज क्रिएट करने का है पब्लिसिटी, क्योंकि अगर पब्लिसिटी मिलेगी तो ज़्यादा लोग जाके उनके वेब सीरीज को देखेंगे। तो ये एक नेगेटिव पब्लिसिटी हुआ, जब तक ये वेब सीरीज बैन हो जाएगी तब तक काफ़ी सारे लोग इसको देख चुके होंगे। मुझे लगता है कि इसको जस्ट बैन करना इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं है। मैं डेफिनेटली अर्ज करूंगा कि इसके जो निर्माता है, निर्देशक है, उनके अगेंस्ट स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाए, क्योंकि मुझे पता है कि वेब प्लेटफॉर्म्स पे कोई भी सेंसर नहीं होता, कोई सेंसर बोर्ड नहीं होता, लेकिन ऐसा कंटेंट जो बना रहे हैं इनके पीछे क्या मकसद है, ये देश के हित के लिए बना रहे हैं या किस मकसद से बना रहे हैं, इसको और भी स्ट्रिक्टली देखना चाहिए। आप लोग इस पे क्या राय रखते हैं मेरे वीडियो के कॉमेंट सेक्शन पे ज़रूर मेंशन कीजिए। और मेरे चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए शुक्रिया दोस्तों। टेक केयर, हैव अ ग्रेट इवनिंग।